इंग्लिश में बुक नेम मोमेंट्स के बारे में लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस यानी इसका मतलब प्रसन्न राजकुमार इसके लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति था, उसे सोने से ढका गया था, उसकी आंखें नीलम की थी और उसकी तलवार में रूबी एक लाल रत्न का नाम है वो लगा था। वह इस सोने और बहुमूल्य रत्न को क्यों त्यागना चाहता था? चलिए क्वेश्चन आंसर दरबारी लोग राजकुमार को द हैप्पी प्रिंस कहके क्यों बुलाते थे? क्या वह सच में प्रसन्न था और वह अपने चारों ओर क्या देखता था? आंसर द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू द क्यूरिटीज कॉल्ड हिम हैप्पी बिकॉज देयर वाज नो सॉरो इन द पैलेस बट ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल ही सीज मिस्ट्री ऑफ द पीपल अराउंड हिम। प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर मूर्ति थी, दरबारी लोग उसे हैप्पी प्रिंस कहके बुलाते थे क्योंकि महल में कोई दुखी नहीं था किंतु सुखी भी नहीं था। वह अपने चारों ओर दुख और दर्द भरे लोगों को देखता था। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई वाज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस व्हाट डज द सोलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस। प्रसन्न राजकुमार दर्जन के लिए रूबी क्यों भेजता था? अबालील दर्जन के घर में क्या करता था? आंसर द सीमस्ट्रेस बेबी इज इल द बेबी वांट्स ऑरेंजेस बट शी हैज नो मनी हर हैंड्स आर ऑल पिक्ड बाय नीडल द प्रिंस सेंड्स द सोलो टू गिव अ रूबी टू। दर्जन का शिशु बीमार है, वह संतरी चाहता था पर दर्जन के पास कोई पैसा नहीं, उसकी उंगलियां सुई की चुभन से भरी हैं। राजकुमार उसकी सहायता करने के लिए अबालील द्वारा एक रूबी भेजता है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर हूम डज द प्रिंस सेंड द सेफ्रिस एंड व्हाई। आंसर राजकुमार किसके लिए नीलम भेजता है और क्यों? आंसर द प्रिंस सेंड्स अ सेफ्रिस फॉर द यंग playwright, he has to finish a play for the director of the theater, but he can't do so. He also sends a secretary for the match girl. राजकुमार ने एक नाटक के नौजवान लेखक को भेजा। उसे नाटक के निर्देश के लिए एक नाटक समाप्त करना था, वह ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा नीलम वह माचिस बॉक्स बेचने वाले लकड़ी के लिए भेजता था। द सोलो सी बाय द फ्लाइज ओवर द सिटी। अबालील जब शहर पर उड़ता था वह क्या देखता है? आंसर द सोलो फ्लाइज ओवर द सिटी ही सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एट द गेट्स द बेगर्स वेयर सिटिंग अबालील शहर पर उड़ा, उसने धनी आदमियों को सुंदर घरों में आमोद प्रमोद मानते देखा। भिखारी गेट्स पर बैठे थे, उसने भूखे बालकों के सफेद चेहरे देखे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी व्हाई आर दे प्रीशियस। कहानी में दो बहुमूल्य चीजें कौन सी हैं और वे बहुमूल्य क्यों थी? आंसर द टू प्रीशियस थिंग्स आर द हर्ट एज द हैप्पी प्रिंसेस एंड द डेड सोलो। दे आर द प्रीशियस बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मिस्ट्री ऑफ द पीपल दे हैव आल्सो हेल्प देम द सैक्रिफाइस देमसेल्फ फ्रॉम द स्टे ऑफ other people to help other is the most precious thing in the world. God also rewards them. दो अत्यंत बहुमूल्य चीजें थी, राजकुमार का हृदय व मृत अबालील।
देखिए ये वाला स्टार्ट करो। 12 वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है जी आई एल डी, गिल्ड। गिल्ड का अर्थ है कवर विद गोल्ड लीफ, सोने की पत्ती चढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है एस ए डबल पी एच आई आर ई, सेफायर। सेफायर का अर्थ है होता है क्लियर ब्राइट ब्लू ज्वेल, नीलम रत्न। नेक्स्ट वर्ड है एच आई एल टी, हिल्ट। हिल्ट का अर्थ होता है हैंडल ऑफ ए सॉर्ड। नेक्स्ट एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू, मतलब है स्वेलो, एक अक्टिंग ऑफ ए बर्ड, मतलब एक पक्षी का नाम है अबाबी। द नेक्स्ट वर्ड इज पी एल ई एन टी वाई, प्लेंटी, टू मच, मतलब काफी। नेक्स्ट वर्ड है सी यू आर आई ओ यू एस, क्यूरियस, मतलब होता है स्ट्रेंज यानी अजीब सा। नेक्स्ट वर्ड है डी आर ई एन सी एच, यानी होता है ड्रेंच, गीला कर देना। नेक्स्ट है एम आई एस ई आर वाई, माइजरी। माइजरी यानी होता है ग्रेट सफरिंग ऑफ डिसकंफर्ट, तंगहाली। नेक्स्ट वर्ड है एस टी ए एम, स्टीमनेस, यानी होता है दर्जिन, ए वुमेन मेक अ लिविंग बाय स्वेइंग। नेक्स्ट वर्ड है टी एच आई एम बी एल ई, थिम्बल। थिम्बल का अर्थ होता है अ मेटल ऑफ प्लास्टिक कैप फॉर द फिंगर, उंगली की टोपी। नेक्स्ट वर्ड है जी ए डबल आर ई टी, गैरेट, यानी स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, अटारी। नेक्स्ट वर्ड है पी आर ओ एस पी ई सी टी, प्रोस्पेक्ट, का अर्थ है आउटलुक, यानी आगे देखना। नेक्स्ट वर्ड है सी आर आई एस पी, यानी क्रिस्प, हार्ड एंड ड्राई, कुरकुरा। नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू आई टी एच ई आर ई डी, विथर्ड, एफ ए डी ई डी, फेडेड, यानी मुरझाए हुए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके हो गए वर्ड्स और उसके मीनिंग्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो इंग्लिश में जो वो लिखा है वर्ड्स का मीनिंग वो भी लिखेंगे और हिंदी का भी लिखेंगे, और स्पेलिंग पे जरूर ध्यान देंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, याद करेंगे और सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच।